हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, जब 150 रुपए जैसा शेयर हो तो रिटेल इन्वेस्टर की आंखें बिल्कुल बाहर आ जाती हैं, क्योंकि अगर 150 रुपए जैसे शेयर में पैसा कमाने का मौका मिले तो रिटेल भाई कहते हैं हमारे पास तो पैसा कम है, इससे अच्छा शेयर कहाँ मिल सकता है। तो आज हम उसी 150 रुपए से रिलेटेड शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो 150 रुपए का शेयर तो हम ले आए, लेकिन कल है भारत पाकिस्तान का मैच। इंडिया कितने रन से पाकिस्तान को हराएगा, आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट में बताइए। क्योंकि ये कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है वहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ, जिस पर हमने पहले भी कवरेज की थी और अभी और भी कुछ नया एडिशन हुआ है। तो आई विल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सिर्फ स्टॉक का नाम सुनकर कुछ मत करिए, क्योंकि अच्छी न्यूज होती है ना बताना पड़ता है, बट उसके पीछे कुछ निगेटिव भी होता है, फिर सबको मिलाते हैं तब डिसीजन लेते हैं, तब कुछ होता है, तब हम पैसे कमा पाते हैं। हम बात कर रहे हैं कि एक कंपनी है जिसने 13 साल 10 महीने में अप्रॉक्स 64% का निगेटिव रिटर्न दिया, और इसी कंपनी ने 4 महीने में 49% का रिटर्न और एक दिन में अप्रॉक्स 4% बढ़ाया। और इतना ही नहीं, इस कंपनी के कॉम्पिटिटर भी बढ़े हैं, कोई एक दिन में 7%, कोई 2% से ऊपर का। अब इन सभी के रैली से एक पॉइंट क्लियर है कि इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसा है जिससे इस इंडस्ट्री के सभी कंपनी को फायदा मिल सकता है, तभी तेजी आई है, राइट। अब सवाल आता है कि किस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, क्या फायदा मिल सकता है, तभी तो पूरा डिसीजन ले पाएंगे कि वो फायदा भी शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। यही सारा एक एंगल होता है जब कोई इन्वेस्टर देखता है और तब डिसाइड करता है। तो हम बात कर रहे हैं माइनिंग इंडस्ट्री की, मतलब वैसी इंडस्ट्री जिसमें कंपनी नेचुरल रिसोर्सेज को खोजती है और माइनिंग करके उसको नेचर से बाहर निकालती है। हम सभी को ये पता है कि आने वाले टाइम में ईवी का फ्यूचर है, इंडिया का टारगेट है 2030 तक 30% प्राइवेट कार, 70% कमर्शियल व्हीकल, 80% 2 और 3 व्हीलर को ईवी में कन्वर्ट करने का। इसके अलावा 2070 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी में यूज़ करना, करेक्ट है ना। ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी रेजोल्यूशन का जो बेस है वो है लिथियम, क्योंकि इसी से बनता है लिथियम आयन बैटरी और इसी बैटरी पर चलता है ईवी, सोलर पावर भी स्टोर होता है। तो करंट टाइम में चाइना वर्ल्ड का 75% लिथियम रिफाइनिंग मार्केट को कवर करता है और इंडिया भी लिथियम इम्पोर्ट करता है हांगकांग, चाइना, यूएस से। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि इंडिया के ग्रैंड लिथियम प्लान के बारे में, और इंडिया को अब लिथियम इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब इंडिया के अंदर ही लिथियम रिफाइनिंग होने वाला है। फरवरी मंथ में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि उन्हें जम्मू एंड कश्मीर में 5.9 मिलियन मेट्रिक टन लिथियम मिला है, जिसका वैल्यू अराउंड $410 बिलियन है। और इसके अलावा राजस्थान में भी ह्यूज लिथियम डिपॉजिट मिला है। जम्मू एंड कश्मीर में जो लिथियम मिला है, दिसंबर 2023 तक उसका माइनिंग ऑक्शन शुरू होगा और माइनिंग कंपनी इस ऑक्शन में सक्सेसफुली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। और यही वजह है कि माइनिंग कंपनी में कुछ महीनों में आप तेजी देखें, क्योंकि इस ऑक्शन की न्यूज़ कई महीनों से चल रही है। तो उम्मीद है कि यहां तक आप समझ गए होंगे कि क्यों लिथियम हमारे लिए ज़रूरी है और कैसे माइनिंग स्टॉक को फ़ायदा होगा। तो ये सब तो लॉन्ग टर्म की बात है, मतलब पहले ऑक्शन होगा, फिर माइनिंग होगी, उसके बाद लास्ट में प्रॉफिट होगा, राइट। बट मार्केट क्या होता है, पहले रिएक्ट करता है। लेकिन सवाल ये, अभी एक दिन में क्या मूवमेंट आया, वहाँ क्या न्यूज़ हुई है? तो इन कंपनियों में मूवमेंट आया गवर्नमेंट की वजह से। 11 अक्टूबर 2023 3:21 शाम में कैबिनेट ने रॉयल्टी रेट को अप्रूव किया है, और इस न्यूज़ के आने के बाद लगभग सभी माइनिंग कंपनी में रैली दिखी। अब ये रॉयल्टी रेट क्या है, इसकी वजह से माइनिंग स्टॉक को क्या फ़ायदा होगा, ये दोनों सवाल समझना है। रॉयल्टी रेट एक तरह का फी होता है जो आप पे करते हैं किसी प्रोडक्ट या प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए। इसे एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे समझिए कि अगर इंडिया में किसी लैंड पे कोई मिनरल मिलता है तो लीगली वो लैंड जहाँ कोई नेचुरल मिनरल मिला है उस लैंड पे गवर्नमेंट का लीगल राइट है, और जब आप उस नेचुरल मिनरल का किसी भी तरीके से यूज करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट को रॉयल्टी फी पे करना पड़ेगा। इसे आप रेंटल फी भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी प्रोडक्ट या प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए रेंट तो देना पड़ता है। बस यही है रॉयल्टी फी जो माइनिंग कंपनी पे करेगी सरकार को। अब यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, इससे तो माइनिंग कंपनी पे बर्डन बढ़ेगा, फिर रैली क्यों? इसके पीछे दो रीज़न है, राइट। सबसे पहला रीज़न, मुझे ये लगता है कि रॉयल्टी फी के साथ ही सब ऑक्शन का टाइम तो नज़दीक आ गया ना, अब थोड़ा बहुत देकर ऑक्शन जीत गए तो लॉन्ग टर्म का फाइनेंशियल सही हो जाएगा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जिसकी वजह से माइनिंग कंपनी में तेजी आई। इसके अलावा दूसरा रीज़न है, रॉयल्टी रेट कंपेयर टू नॉर्मल मिनरल्स, मतलब सरकार ने वैसे सभी नॉन स्पेसिफिक मिनरल्स पे 12% ऑफ एवरेज सेलिंग प्राइस का रॉयल्टी फी लगाया है। मतलब नॉर्मली सरकार मिनरल्स के एवरेज सेलिंग प्राइस का 12% रॉयल्टी फी डिमांड करती है। इसको एग्जाम्पल समझिए कि किसी नेचुरल मिनरल का बिजनेस कर रहे हैं और इस मिनरल का एवरेज सेलिंग प्राइस है 100, तो इसका 100 का 12% मतलब 12 रुपये सरकार को,
तो ये रॉयल्टी फी तो नॉर्मल मिनरल के लिए है, मगर कुछ खास मिनरल्स के लिए सरकार ने रॉयल्टी फी को चेंज किया है। जैसे लिथियम पे रॉयल्टी फी किया है लंदन मेटल एक्सचेंज के प्राइस का 3%, मतलब लंदन मेटल एक्सचेंज में लिथियम का जो प्राइस चल रहा है उसका 3% सरकार को मिलेगा। इसके बाद है नियोबियम, इसका रॉयल्टी फी है 3% ऑफ एवरेज सेलिंग प्राइस। इसके बाद रेयर अर्थ एलिमेंट, मतलब वैसे एलिमेंट जो अर्थ पे रेयरली मिलते हैं, ऐसे मिनरल पे एवरेज सेलिंग प्राइस का 1% रॉयल्टी फी देना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नॉर्मल मिनरल्स के मुकाबले इन तीन मिनरल्स पे गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है और रॉयल्टी फी को कम किया है। तो यही वो वजह है जिसके कारण आपने इन स्टॉक में तेजी देखी। तो अब आप यहां तक समझ चुके हैं कि माइनिंग कंपनी में रैली क्यों हुआ है और लिथियम कैसे कनेक्टेड है। अब टाइम है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक को देखने का जिससे आप फायदा ले सकते हैं, राइट। कुछ कंपनी ऐसी भी है जो ऑलरेडी लिथियम माइनिंग की तरफ एक स्टेप कदम बढ़ा चुकी है और आज हम लोग इन कंपनी के फाइनेंशियल नहीं देखेंगे, बस बिजनेस को समझेंगे और कोशिश करेंगे जिससे आप समझ पाएं कि कैसे गवर्नमेंट पॉलिसी कंपनी का दिन बदल देती है, जैसे रेलवे के दिन बदल गए, डिफेंस सेक्टर के दिन बदल गए, राइट। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट को बहुत आसान भाषा में बनाने में और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। कल एक बेहतरीन वीडियो बनाई थी लोन लेकर ट्रेडिंग, पैसा होगा 4x, और उसमें हमने एक एक्सेल सीट दी थी, तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। और हमारी टीम से एक्सेल सीट 9708094321 पे कॉल या व्हाट्सअप करके आप ले सकते हैं, जो आपको बहुत फ़ायदा कर सकती है। एंड आई होप जो हम लोगों ने मेंबरशिप में आप लोगों के साथ लर्निंग शेयर की थी, चाहे वो एंजल वन की हो, मेट्रोपॉलिस की हो, वहाँ से धमाकेदार आपने लर्निंग और अर्निंग की होगी। और अगर आप नहीं जुड़े हैं तो मेंबरशिप से जुड़ जाएं। और दुर्गा पूजा महाधमाका ऑफर, पहली बार हम लोग अपनी क्लास में फी में डिस्काउंट दे रहे हैं, जो आज तक कभी नहीं दिया आप लोगों की डिमांड पर। तो 25 अक्टूबर की क्लास अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए फी में डिस्काउंट है। आप कॉल कीजिए 9708094321 पे और हमारी टीम से बात कर लीजिए। तो अब चलते हैं वीडियो पर और स्टॉक का डिस्कशन करते हैं। तो इस लिस्ट में पहली कंपनी है NMDC। NMDC ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के हैंकॉक प्रोस्पेक्टिंग के साथ पार्टनरशिप कर चुका है लिथियम एंड कोबाल्ट माइनिंग के लिए। और आपको मैं बता दूं कि जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गए थे तो ऑस्ट्रेलिया की हैंकॉक कंपनी के मालिक बिलियनियर गीना राइनहार्ट पीएम मोदी से 1-to-1 मीटिंग भी कर चुके हैं। NMDC और हैंकॉक ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में लिथियम माइनिंग के लिए साइट एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर है और NMDC हैंकॉक के पार्टनरशिप से ये क्लियर है कि NMDC लिथियम माइनिंग में अदर माइनिंग कंपनी से आगे है। और लिथियम माइनिंग की वजह से NMDC को लो रॉयल्टी फी पे करना होगा, जिससे अदर मिनरल्स का माइनिंग करने वाले कंपनी के मुकाबले NMDC का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ सकता है। NMDC के बाद दो और कंपनी है, फिर हम चार्ट एनालिसिस भी करेंगे कि चार्ट पे क्या बन रहा है, जिन्होंने लिथियम और कोबाल्ट माइनिंग का प्लान अनाउंस किया है, जिसमें पहली कंपनी है GMDC, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये गुजरात गवर्नमेंट की कंपनी है, मेनली दो सेक्टर में काम करती है, पहली है माइनिंग सेक्टर और दूसरी है पावर सेक्टर। माइनिंग में कंपनी अलग अलग तरीके के मिनरल्स और मेटल्स एक्सट्रैक्ट करती है, जैसे लिग्नाइट, बॉक्साइट, फ्लोस्पार, मल्टी मेटल, मैगनीज, सिलिका, लाइमस्टोन, बेंटोनाइट, बॉल के। इस पर डिटेल वीडियो हमने बनाई है, आप ज़रूर देखिएगा, आपको बिग आई ओपनर मिलेगा। और GMDC गुजरात में रेयर अर्थ एलिमेंट को डेवलप करने में लगी हुई है। रेयर अर्थ एलिमेंट वैसे एलिमेंट होते हैं जो रेयरली मिलते हैं, जैसे लिथियम और कोबाल्ट। GMDC के बाद हिंदुस्तान कॉपर भी प्लान कर रहा है अपने ज्वाइंट वेंचर खांजी विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल के थ्रू लिथियम माइनिंग स्टार्ट करने का। और इस ज्वाइंट वेंचर में 34% स्टेक नेशनल एल्युमिनियम का है, 33% स्टेक मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का है और 33% हिंदुस्तान कॉपर का। और ये तीन कंपनियां मिलकर लिथियम माइनिंग, लिथियम आयन बैटरीज का मैन्युफैक्चरिंग भी प्लान कर रहे हैं, मतलब लो रॉयल्टी फी से प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करके ईवी में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और इन सभी पॉइंट को कनेक्ट करें तो इन कंपनियों को ऑन पेपर फ्यूचर तो सही दिख रहा है। यहाँ मैंने ऑन पेपर इसलिए बोला क्योंकि अभी सब कुछ ऑन पेपर है, स्टार्ट नहीं हुआ है। जब ऑक्शन स्टार्ट होगा, माइनिंग स्टार्ट होगा, तभी सारे पॉइंट क्लियर होंगे। और इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए लास्ट तक। इससे पहले जब इन स्टॉक पर हमने वीडियो बनाई थी, तब से अब तक 24 अगस्त से 13 अक्टूबर तक NMDC अप्रॉक्स 31% का रिटर्न दिया, GMDC अप्रॉक्स 89% का रिटर्न दिया, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हिंदुस्तान कॉपर अप्रॉक्स 6% बढ़ा है। तो ओवरऑल एक समरी बनाते हैं, फिर चार्ट के बारे में बात करेंगे कि पिछले कुछ महीनों में माइनिंग स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है
और फ्यूचर के लिए ये खुद की तैयारी कर रहे हैं, और फ्यूचर की तैयारी रॉयल्टी वजह लिथियम प्लांट का ऑक्शन ये सब मिलकर स्टॉक को बेहतरीन दे रहा है। और हर बार मैं कहता हूँ, जहाँ पर मैंने वीडियो की शुरुआत में रेलवे डिफेंस का जिक्र किया, कि सरकार का जब सपोर्ट मिलता है और सरकार ईमानदारी से अगर सेक्टर बेस्ड काम करती है तो वहाँ पर कंपनियों को फ़ायदा होता है, जिसका पूरा पूरा नज़रिया आपको यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है। वहाँ पर अगर हम चार्ट स्पेसिफिक जाते हैं तो एनएमडीसी में देखोगे तो आप डबल टॉप का ब्रेकआउट 154 के ऊपर हुआ है, और मल्टी ईयर ब्रेकआउट एनएमडीसी में होने वाला है 165 के ऊपर। और 165 के ऊपर जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा तो इसके लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुलेगा। इसको ज़रूर चार्ट को आप अपनी लर्निंग में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर जीएमडीसी की बात करते हैं, तो जैसा कि जीएमडीसी अगेन हमने हमारी उस वीडियो के न्यूज़ के बाद से और समझने के बाद से हुआ है रैली, वहाँ पर 316 का ब्रेकआउट हुआ है, और 316 के ऊपर का जो ये ब्रेकआउट हुआ है ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है, और इस मल्टी ईयर ब्रेकआउट के कारण ही इसके दरवाजे इतने बड़े स्तर पर खुल चुके हैं। तो यहाँ पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट अपने आप में ही काफ़ी बड़ा रास्ता होता है किसी स्टॉक को ऊपर साइड ले जाने के लिए। वहाँ पर भी न्यूज़ वगैरह इस तरीके से मिलती है तो बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिलता है जो आपके सामने है। तो आई होप बस फॉलो करते रहिए, कमाते रहिए, वीडियो से सीखते रहिए, और प्लीज़ कोई भी स्टॉक हम देते हैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होती, आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। हमारा मकसद प्योर लर्निंग देना है, अच्छा भी बताना बुरा भी बताना, एक समरी बताना, क्योंकि देखो हमने क्या हाईलाइट किया, ऑन पेपर है, राइट। प्लस ये भी एक सच है कि जब ऐसी न्यूज़ आती है तो मार्केट क्या होता है, पहले ही रिएक्ट करता है, सब कुछ होने का इंतज़ार नहीं करता है। तो यही सब चीज़ जब लर्निंग आती है तो हम अपने एक्सपर्टीज से उसका फ़ायदा लेते हैं और पैसा कमाते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। अब हर एक IPO चाहे SME का हो या मेन बोर्ड का हो, उसकी हर एक छोटी से छोटी अपडेट आपको हमारी ब्लॉग पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ने पे मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को सेव कर लीजिए, लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से हर एक IPO की सारी अपडेट हम आपके लिए लाते हैं, और बहुत कुछ मिलने वाला है।